नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। शुरुआत करते हैं देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर के आंकड़ों की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना मामलों को लेकर सोमवार का दिन राहत देने वाला रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,346 नए मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 209 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस कम होकर सिर्फ 2.5 लाख रह गए हैं। 6 महीने बाद सक्रिय मामलों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ठीक होने वाले लोगों की दर में भी सुधार हुआ है। फिलहाल देश में 97.93% है। पिछले 24 घंटे में 29,639 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से अपने घर वापस लौटे। हालांकि महामारी के चलते 263 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा चिंता केरल को लेकर है। केरल में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश में बीते 24 घंटे में 18,000 नए संक्रमित मरीज मिले, उसमें से 45% मरीज अकेले केरल से हैं। राज्य में एक दिन में 8,850 नए केस मिले और 149 लोगों की मौत हुई, जिससे डॉक्टरों और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ने लगी। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 26 लोगों की मौत से कोरोना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। वहीं पूर्वोत्तर में मिजोरम में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। राज्य में 14,726 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। सोमवार को 1,624 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 538 मरीज रिकवर होकर अपने घर वापस भी लौटे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 601 नए दैनिक मामले मिले हैं। अब बात करेंगे जनपद सहारनपुर की। लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा कोरोना सहारनपुर पूरी तरह से मुक्त है। आपको बता दें कि लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा समय से सहारनपुर में एक भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे प्रशासन के साथ साथ जनता भी राहत की सांस ले रही है। आज जो रिपोर्ट सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग से जारी की गई है, उसमें भी एक भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, जो कि राहत की खबर है। इसीलिए हम इस सभी जनपद वासियों को अभी भी सावधानी बरतनी है। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग करना है। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यूं ही देखते रहे सिटी वैप।